अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हानियाज़ किचन। आज हम सीखेंगे कि बेसिक ठंडाई जो है वो कैसे बना जाती है। हम इसका एक पाउडर तैयार कर लेंगे इंशाल्लाह, एंड मैं आपको बताऊंगी कि आप पाउडर जो है बनाकर प्री हैंड आप इसे अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, एंड जब आपका मन करें आप अच्छी वाली ठंडाई जो है ठंडे ठंडे दूध में बनाकर आप उसे पी सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ देखिए मैंने कुछ नट्स ले लिए हैं, यहाँ पर सौंफ है, इलायची, बादाम, खसखस, काजू, पिस्ता और चार मगज़। देखिए जितनी भी हमारी जो लिस्ट है सारे नट्स की वो आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एंड बिसाइड स्क्रीन पर भी मैं उसे शो कर रही हूँ। और अब हम ये देखिए थोड़ा सा ज़ाफ़रान भी ले लेते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें चाहें तो ना भी डालें। और साथ ही में हम इसके शक्कर भी पीस लेंगे। अब मैं हाफ़ क्वांटिटी जितना नट्स मैंने लिया था उसका हाफ़ क्वांटिटी, और उसके अंदर मैं जो है थोड़ा सा शक्कर डाल देती हूँ। शक्कर भी डाल के हम इस सबको अच्छा एक फ़ाइन सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। अच्छा, मैं इसमें शक्कर साथ में क्यों पीस रही हूँ? पहली चीज़ तो हम एक रेडी मिक्स जो है ना, रेडी पाउडर हम बना रहे हैं हमारे ठंडाई के लिए। ऐसा होगा कि आपको बस इसे दूध में डालना है एंड मिक्स करना है। अच्छा, अब हमें जो है बहुत ही फाइन सा एक पाउडर चाहिए, क्योंकि मुंह में कुछ आए ना उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स, इसलिए मैं इसे छान रही हूँ। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप अगर ना छानना चाहें तो कोई बात नहीं, आप इसी तरीके से आप अच्छे से मिक्सी में ग्राउंड कर लीजिए, उसे अच्छा सा पाउडर हो जाए तो फिर आप उसे जार में स्टोर कर लीजिए। अब ये देखिए मैंने इसको अच्छे से छान लिया है, एंड थोड़ा सा उसमें सौंफ या जो चीज़ थोड़ी बारीक नहीं हुई है उसे मैं वापस जो है मिक्सी में एक बार और डाल देती हूँ, एंड हम सारी चीज़ों को पीस लेते हैं। ये देखिए मैंने पूरा पीस लिया है, इसका अच्छा सा पाउडर, अच्छा फाइन सा एक पाउडर तैयार कर लिया है। और आम जो है इसको एक ग्लास ठंडाई में आप 2 टेबलस्पून अपना ठंडाई पाउडर डालिए, मिक्स कीजिए, बर्फ़ डालिए, एंड इट इज़ रेडी। आप इसे जो है एयर टाइट कंटेनर में रख के आप इसे फ्रिज में स्टोर कर लीजिए, बिकॉज़ नट्स होते हैं तो कभी कभी यू नो बाहर रहने से उसकी स्मेल चेंज हो जाती है एंड स्टफ लाइक दैट, तो बेटर होगा कि आप उसे फ्रिज में स्टोर कर लें। अब आप देखिए मैं एक हमारे ब्लेंडर जार में मैंने थोड़ा सा बर्फ़ डाल दिया है, एंड करीब 2 कप मैंने मिल्क ले लिया है इसमें। अब मैं इसके अंदर 4 बड़े चम्मच ठंडाई का पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब देखिए हमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ना शुगर ना और कोई चीज़, बिकॉज़ हमने शुगर ऑलरेडी इसमें ऐड कर दी है। सो अब हम मिक्सी को एक बार चालू कर लेंगे सो दैट बर्फ़ जो है हमारा अच्छा सा छोटे छोटे उसके पीसेस हो जाए। ये देखिए हमारी ठंडाई जो है इंस्टेंट वाली कितनी जल्दी से एक बढ़िया ठंडी हमारी तैयार हो गई है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड अब आप उसके ऊपर जो है ना कटे हुए नट्स डाल दीजिए ठंडाई के ऊपर, एंड दैट इज़ इट। आप इसे मज़े लेकर पीजिए। तो मिलते हैं अगली बार एक और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।